अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको बताने के लिए कि अगर अपने आसपास वाले लोगों से ज़्यादा आपके पैर ठंडे रहते हैं, इवन के गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं, और जिन लोगों के रहते हैं वो इस बात को रिलेट कर सक रहे होंगे कि उनको दो दो तीन तीन जुराबें पहनना पड़ती हैं, हीटर के आगे पैर रखना पड़ते हैं, रात को एक्स्ट्रा पैरों को कवर करना पड़ता है, यानी उनको प्रॉपर फील होता है कि पैरों में ठंड है। तो ये सिर्फ पैरों में ठंड नहीं है, ये मेडिकल कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है, डेफिनेटली बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे डायग्नोज करना है, उस पर आज हम ये वीडियो करेंगे। जहाँ पर डिफरेंट बॉडीज़ की डिफरेंट तासीर होती है अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मेडिसिन, जैसे कुछ बॉडीज़ की गर्म तासीर होती है उनको हम हीट स्ट्रेस के लिए ट्रीट करते हैं, कुछ की ठंडी तासीर होती है उनको हम कोल्ड स्ट्रेस के लिए ट्रीट करते हैं, उसी तरह आपके ये प्रॉब्लम उससे डिफरेंट है अगर खाली पैर ठंडे हैं। अब इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं आपके पास, जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो पेरिफ्रीज़ हैं, आपके हाथ उंगलियाँ और पैर और पैरों की उंगलियाँ, ये आपके दिल से सबसे ज़्यादा दूर हैं। दिल को सबसे ज़्यादा दूर ब्लड इन जगहों पर पहुँचाना है पंप करके सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए। तो नंबर वन रीज़न ये होती है कि दिल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, सर्कुलेशन आपके दिल की ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ही लेके जाता है, अपने साथ एक वार्मथ एक गर्मी भी लेके जाता है हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में, जहाँ जहाँ पे वो ट्रैवल करता है, दैट इंक्लूड्स योर फीट एज वेल। अगर पैरों में आपके पास ये ठंडी सिचुएशन है, इसका मतलब है कि सर्कुलेशन ठीक नहीं है, वहाँ पे ब्लड ठीक तरह नहीं पहुँच रहा, वार्मथ की कमी हो रही है। दूसरी रीज़न आपके पास हो सकती है डायबिटीज़, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जहाँ पर आपके पास डायबिटीज़ का फेवरेट टारगेट नर्वस सिस्टम है, वो नर्व एंडिंग्स को डैमेज करता है और उसकी वजह से पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, पैरेस्थीजियाँ, सुइयाँ चुभना, एबनॉर्मल सेंसेशन, ये सब कुछ होती है आपके पास वहाँ, उसके साथ साथ ये कोल्ड फीट वाली सेंसेशन भी हो सकती है। तीसरी रीज़न आपके पास प्लेन एनीमिक होना, खून की कमी आपके पास, या जिंक की कमी, ज़ाहिर खून की कमी होगी आपके पास तो आपके पास ब्लड जो है वो कम बनेगा तो उसका फ्लो भी कम होगा और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ इफेक्ट होंगी तो वो आपके पास ठंडी होंगी। अगली रीज़न आपके पास हो सकती है कि आप हाइपोथायरॉयड हो रहे हैं, जहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म को आप कैसे पहचानेंगे, उस पर मैंने पहले भी वीडियो की थी, बालों की थिनिंग, मूड डिसऑर्डर्स वगैरह ये सब कुछ, वहाँ एक्सट्रीमिटीज़ का ठंडा होना भी बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि जो आपका थायरॉयड हार्मोन है वो आपके जिस्म का कैलोरी बर्निंग प्रोसेस रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है, यानी कैलोरीज किस स्पीड से जिस्म में बर्न होती हैं, और कैलोरीज जब आपके पास अच्छी बर्न होती हैं तो वो जिस्म में आपके पास गर्माइश पैदा करती हैं। अगर कैलोरीज ठीक स्पीड से बर्न नहीं होंगी, थायराइड ग्लैंड उनको ठीक तरह ऑर्डर नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी खाने के बर्न होने से जो गर्मी पैदा होनी है वो कम होगी, तो आपके पास हो सकता है कि आप हाइपोथायराइड हो रहे हो। अगली रीज़न आपके पास हो सकती है रेनॉल्ड्स फिनोमेना, जो कि एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है आपके, इसका मतलब है ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं है, और रेनॉल्ड्स फिनोमेना में पैर ठंडे होने के साथ साथ उनका कलर भी बदलता है, वो पेल भी हो सकते हैं, नीले भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसको रूल आउट करने की ज़रूरत है। और अगली रीज़न ये होती है कि जब आप एकदम से बड़ी सख्त नो ग्रेन कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा सोडियम निकलता है, एक्स्ट्रा वाटर निकलता है, शुरू के दिनों में यूरिनेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्स्ट्रा सोडियम निकलने की वजह से भी आपके पैर ठंडे हो सकते हैं, तो अपनी कीटो में नमक सी सॉल्ट का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास ये रीज़न हो सकती है कि आपको एड्रीनल फटीग हो रही है। एड्रीनल फटीग पे मैंने पूरी एक वीडियो की थी, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आपके एड्रीनल हार्मोन्स होते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका मिनरल मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना, आपके सोडियम पोटेशियम लेवल्स को रेगुलेट करना, तो हो सकता है कि जिस्म में सोडियम एक्सक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हो और अगेन आपके एड्रीनल ग्लैंड्स ठीक ना काम करने की वजह से, उन हार्मोनल इंबैलेंसेस की वजह से आपको ये सब कुछ हो रहा हो। या आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि ये क्या क्या हो सकता है और इनकी रीज़न क्या क्या है, तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, उस पर इंशाल्लाह फिर एक वीडियो करेंगे। आई विल सी यू ऑल अगेन, कल करेंगे बल्कि विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।